हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस इससे पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है चैप्टर सिक्स तक जिसमें हमने पार्ट टू तक कंप्लीट किया है आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट थ्री जिसमें कि हम करेंगे इंजंक्शन जिसमें कवर होते हैं चैप्टर सेवन और एट चैप्टर सेवन बात कर रहे हैं इंजंक्शंस की और एट में भी इंजंक्शंस को ही फर्दर कवर किया गया है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंजंक्शंस है क्या तो इंजंक्शंस का मतलब क्या है इंजंक्शन मीन्स ऑर्डर और डिस्क्रिप्शन और डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट तो कहते हैं इंजंक्शंस क्या है कि जो एक कोर्ट है उसका कोई ऑर्डर या डायरेक्शन है जिसमें कोर्ट किसी पर्सन को कुछ करने के लिए बोलता है या फिर कुछ करने से रोकता है टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग तो इंजंक्शन क्या है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है तो अभी इंजंक्शंस में क्या क्या होता है इंजंक्शन एक नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है तो जो नेगेटिव हैं उसमें दो चीज़ें आती हैं पहली है टेम्परेरी दूसरी है परपैचुअल तो टेम्प्रेरी में हमने हम कवर करेंगे सेक्शन 36 एंड 37 जिसके जिसका मतलब क्या है कि जो टेम्प्रेरी इंजंक्शंस होती हैं वो फॉर द टाइमबिंग होती हैं कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए कोर्ट हमें प्रोवाइड करता है और इसके साथ ही इसमें ऑर्डर 39 भी कवर होता है सीपीसी का जिसमें टेम्प्रेरी इंजंक्शंस के बारे में अच्छे से बताया गया है उसके बाद आता है परपैचुअल इंजंक्शंस परपैचुअल इंजेंशन होती हैं ये फॉर फुल टाइम होती हैं इसमें भी सेक्शन 36, 37 और 38 कवर होंगे ये परमानेंट होती हैं फुल टाइम पीरियड के लिए कोर्ट प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एनी ऑब्लिगेशन जो ऑब्लिगेशन है वो कौन सी हो सकती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल और टॉर्च कोई भी हो सकती है उसके बाद हम कवर करेंगे कि ये इंजेंशन हैं नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी हो सकती हैं तो पॉजिटिव में सेक्शन थर्टी नाइन आता है जिसमें जिसमें है मैंडेटरी इंजंक्शंस उसके बाद आता है सेक्शन फोर्टी जो कि डैमेजेस की बात करता है फिर आता है कि इंजंक्शंस हम कब ग्रांट नहीं कर सकते हैं तो फुल फ्लेज सेक्शन फोर्टी वन में प्रोविजन्स दी गई हैं जिसमें बताया गया है कि इंजंक्शंस कोर्ट कब ग्रांट नहीं करेगा तो उसकी एक एक्सेप्शन भी है वो सेक्शन फोर्टी टू में बताई गई है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन थर्टी सिक्स से तो सेक्शन थर्टी सिक्स बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड तो कहते हैं जो प्रिवेंटिव रिलीफ हैं वो कैसे कोर्ट ग्रांट कर सकता है तो वो दो फॉर्म्स में ग्रांट कर सकता है टेम्परेरी और परपेचुअल इंजेंशन में और ये कैसे मिलती हैं एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट अगर कोर्ट की मर्जी होगी तभी ये इंजेंशन हैं वो मिल सकती हैं टेम्परेरी और परपेचुअल तो सेक्शन थर्टी सिक्स में सिर्फ यही बात की गई है उसके बाद आता है सेक्शन थर्टी सेवन थर्टी सेवन में बात की गई है कि टेम्प्रेरी एंड परपैचुअल इंजेंशन क्या हैं तो टेम्प्रेरी इंजेंशन जैसे हमने पहले किया कि ये क्या होती हैं फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड होती हैं तो ये एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट होती हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड की जाती हैं और ये इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स हैं तब प्रोवाइड की जाती हैं इसका पर्पज क्या है कि जो केस है उसका स्टेटस को है उसको बचाने के लिए टेम्प्रेरी इंजेंशन है वो ग्रांट की जाती हैं ये ग्रांट करने के लिए क्या कुछ चाहिए तो सबसे पहले है कि प्राइमा फेशाई केस होना चाहिए कि एक केस बनता होना चाहिए तभी ये टेम्प्रेरी इंजंक्शन हैं वो ग्रांट हो सकती हैं प्राइमा फेशाई केस होगा सेकेंड है कि इर रिपेयरेबल इंजरी कि अगर कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा अभी ये इंजंक्शन तो जो प्लेटिव है उसको इर रिपेयरेबल इंजरी होगी जिसकी के बाद में भरपाई नहीं हो सकती है थर्ड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस तो कहते हैं कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी तो होना चाहिए कि प्लेंटी फोर डिफेंडेंट का अगर कन्वीनियंस बनती है तभी वो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को चेक करके ही कोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा टेम्प्रेरी इंजंक्शन तो थ्री मेन इसकी इसेंशियल्स है टेम्प्रेरी इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए पहली है प्राइमाफेसाई केस सेकेंड है रिपेयरेबल इंजरी एंड थर्ड है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके बाद डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट तो है ही अगर कोर्ट की इसके बाद ए, ये सब देखने के बाद अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन है कोर्ट को लगता है कि ये इंजेंशन ग्रांट करनी चाहिए तो कोर्ट टेम्परे इंजंक्शन ग्रांट कर देगा उसके बाद आता है परपेचुअल इंजेंशन तो परपेचुअल इंजंक्शन क्या है परमानेंट इंजेंशन हैं जो कोर्ट ग्रांट करता है ये एट द एंड ऑफ द केस है तब ग्रांट की जाती हैं जब फाइनल डिसीजन आता है उसके बाद सेक्शन 38 में परपेचुअल इंजेंशन के बारे में बताया गया है कि ये कब ग्रांट की जाएंगी तो पर्पस इसका हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एनी ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन प्लेंटिव फेवर तो उस चीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है परपैचुअल इंजेंशन ग्रांट की जाती हैं ये किन किन केसेज में ग्रांट की जाती हैं वो सेक्शन थर्टी एट में इट्सल्फ बताया गया है पहला है कि डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी तो कहते हैं अगर डिफेंडेंट है जो अगर वो प्लेंटिव की प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है तो उस केस में प्रपैचुअल इंजेंशन है वो ग्रांट की जाएगी तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ए है और ए की प्रॉपर्टी का जो ट्रस्टी है उसको बी बनाया गया बी को बनाया गया है ए की प्रॉपर्टी का अभी बी क्या कर रहा है बी कोशिश कर रहा है कि कुछ पोर्शन है ए की प्रॉपर्टी का वो उसको सेल कर दे तो सेल से बचाने के लिए ए क्या कर सकता है कोर्ट के पास जा सकता है कि इस चीज़ पे इंजेंक्शन लगाई जाए कि बी मेरी प्रॉपर्टी को सेल ना कर पाए तो इसमें बी ट्रस्टी था इस केस में तो कोर्ट क्या करेगा ए को इंजेंशन ग्रांट करेगा चाहे कि इसमें उसको कंपनसेशन मिल सकती है बाद में बट नहीं क्योंकि यहाँ पे बी उसका ट्रस्टी है प्रॉपर्टी का इस केस में कोर्ट प्रिवेंटिव जो रिलीफ है परपैचुअल इंजंक्शन वो ग्रांट करेगा उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट है कि देर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टनिंग एक्चुअल डैमेजेस कॉज्ड तो कहते कि जो कोर्ट है जो डैमेजेस हैं उसको हम असर्टन कर ही नहीं सकते तो उन केसेस में भी परपैचुअल इंजंक्शन है वो ग्रांट की जाएगी इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि ए बी और सी है वो तीनों एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा है तो ये तीनों की प्रॉपर्टी है तो उनमें से दो तीन बंदों में से जो ए है वो क्या करता है जो प्रॉपर्टी है फैमिली की उसको सेल करने की कोशिश करता है उसमें जो भी ट्रीज़ हैं उनको काटने काट के सेल करने की कोशिश करता है यूटेंसिल्स हैं जो फैमिली के उनको सेल करने की कोशिश कर रहा है तो इस केस में जो बी और सी हैं वो क्या कर सकते हैं वो इंजंक्शन ले सकते हैं क्योंकि उनकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसको सेल करने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स हैं के जो एक्चुअल डैमेजेस हैं उसको हम असर्टन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं उसके बाद आता है कि कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ तो कहते हैं कंपनसेशन इन मनी तो हो सकती है बट वो क्या होगी वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगी इस केस में तब भी क्या करेगा कोर्ट परपैचुअल इंजंक्शन है वो ग्रांट कर देगा तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे आ, किसी का घर है उसके बाहर अगर डोरबेल है कोई पर्सन बार बार उसको बजा के जा रहा है तो इसके साथ क्या हो रही है किसी पर्सन को नॉइज़ हो रही है तो उसकी जो मेंटल रिलीफ है वो ख़त्म हो रही है या फिर कोई उसके घर के आसपास कहीं पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है उस पर्सन को तो इस केस में वो पर्सन क्या कर सकता है उसके लिए इंजेक्शन ले सकता है कि उस नॉइज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे क्योंकि जो कंपनसेशन इन मनी है मिल तो सकती है बट वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं बनेगा तो यहां पे कोर्ट क्या करेगा इंजंक्शन ग्रांट करेगा उसके बाद आता है नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लीसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कि अगर कोई केस है उसमें अगर बार बार उसी चीज के रिलेटेड अगर केस डलता जाएगा तो उस केस के लिए भी कोर्ट क्या करेगा एक ही केस में क्या कर देगा इंजंक्शन ग्रांट कर देगा टू सेव द मल्टीप्लीसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स जैसे एक पर्सन है Uh, कुछ विलेजर्स क्लेम करते हैं कि उसके घर में से उनको पैसेज का राइट है बट वो कोर्ट में जाता है वो कहता है कि नहीं इनको विलेजर्स को राइट नहीं है तो कोर्ट अगर उसको एक बार ग्रांट कर देता है कि इंजंक्शन के उन विलेजर्स का कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे टू टू पाथ का तो क्या होगा तो यहाँ पे कोर्ट अगर दोबारा से कोई और पर्सन भी इस चीज़ के लिए कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा सबके अगेंस्ट ही कर देगा कि यहाँ पे इंजंक्शन उस पर्सन को मिल चुकी है उसके घर में से रस्ते का किसी को राइट नहीं है तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को अवॉइड करने के लिए भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है तो ये सेक्शन थर्टी में सब बताया गया है उसके बाद आता है सेक्शन 39 जो के मैंडेटरी इंजंक्शन की बात करता है जैसे हमने वहां पे देखा था पॉजिटिव इंजेंशनस तो जो मैंडेटरी इंजेंशन है इसमें कोर्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंजेंशन की बात करता है यहाँ पे आ, किसी चीज़ को प्रिवेंट भी किया जाता है और किसी चीज़ को करने के लिए बोला भी जाता है तो यहाँ पे क्या है टू प्रिवेंट द ब्रीच एंड टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ रिक्विसिट एक्ट्स कोर्ट एक चीज़ को प्रिवेंट भी करेगा और साथ में कुछ ना कुछ काम करने के लिए भी कहेगा तो उस केस में वो क्या बन जाती है मैंडेटरी इंजेंशन इसके एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी दो पर्सनस हैं ए है वो बी के पास जाता है बी क्या है यहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है ए उसको जाके अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताता है और बी उसको सारा नोट डाउन कर लेता है तो वो उनकी एक रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाती है अभी लेटर ऑन जाके बी क्या कहता है बी ए को कहता है कि तेरी जो ये जो भी तेरी रिटर्न कम्युनिकेशन मेरे साथ हुई है मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो इस केस में ए क्या कर सकता है ए कोर्ट के पास जा सकता है इंजंक्शन के लिए कि बी को मना किया जाए कि ये जो भी हमारी रिटर्न कम्युनिकेशंस हैं इसको पब्लिश ना किया जाए और साथ में ए क्या क्लेम कर सकता है कि जो भी उसके पास रिटर्न रिकॉर्ड है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए तो यहाँ पर क्या हुआ है एक तो उसने क्या रेमेडी मांगी है टू तो प्रिवेंट द ब्रीच तो उसने बोला है कि इस चीज़ को मना किया जाए कि पब्लिकेशन ना हो तो ये होगी नेगेटिव वाली तो पॉजिटिव उसने क्या कहा है कि इस जो डॉक्यूमेंट है जो रिटर्न कम्युनिकेशन हैं इनको डिलीट भी किया जाए इनको डिस्ट्रॉय किया जाए तो वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया कि कोर्ट अभी उस पोर्सन को कंपेल करेगा कि ये चीज़ को डिस्ट्रॉय कर और साथ में इसको पब्लिश ना कर तो ये बन जाएगी हमारी मैंडेटरी इंजंक्शन तो इसके साथ हमारी जो इंजंक्शन हैं टेम्प्रेरी परपैचुअल एंड मैंडेटरी इंजंक्शन वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि डैमेजेस वाला सेक्शन 40 एंड सेक्शन 41 वन एंड फोर्टी टू कवर करेंगे आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप आगे कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो थैंक यू